प्रणब बाबू जो आरएसएस के कार्यक्रम में गए उसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। या तो इस प्रिज्म से देखिए कि उनको जाने का ये एक्ट करना था या नहीं करना चाहिए था, तो वो एक बड़ी घटना हो गई, एक बड़ी बात हो गई कि संघ के कार्यक्रम में जिनकी नीतियों का वो लगातार विरोध करते आए थे कांग्रेस में रहते हुए, उनके मंच पर वो गए, ये अपने में एक एक्शन है। लेकिन अटकल ये थी कि वो क्या कहेंगे, क्या किसी प्रकार का एंडोर्समेंट होगा, आरएसएस के बारे में वो अपनी कोई राय बदलेंगे, सेक्युलरिज्म के बारे में कोई राय बदलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा है वो अपनी पुरानी पोजीशन को उन्होंने दोहराया है। जो एक बड़ा तबका जो अपने को राइट थिंकिंग तबका समझता है कि भारत के राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का, प्लूरलिज्म का, देशभक्ति का क्या मतलब होना चाहिए, तो वो उन्होंने अपनी सही और पुरानी व्याख्या दोहराई है। और जो कांग्रेस की बेचैनी थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे, तो ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने किसी भी तरीके से आरएसएस की तारीफ नहीं की है, आरएसएस का कोई इंडोर्समेंट नहीं किया है। इनफैक्ट बदलाव दिखा तो मोहन भागवत की बात में दिखा, क्योंकि उनको एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए आरएसएस के लिए। तो प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी का आरएसएस ब्रांड रब ऑफ लेना चाहता था, बाय एसोसिएशन उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। शॉर्ट टर्म में शायद उसकी नज़र बंगाल में अपना विस्तार करने की है, जहां अगर हाउस होल्ड नेम बनना है तो प्रणब बाबू एक बहुत बड़े इंट्रोडक्शन देने वाले व्यक्ति के रूप में उनके लिए काम आ सकते हैं। लेकिन जहां तक देश को मथ रहे मुद्दों का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि फिजिकल वायलेंस जितना खतरनाक होता है, वर्बल वायलेंस भी उतना ही खतरनाक होता है। समरसता और खुशी के लिए ज़रूरी है कि भेदभाव किसी भी तरह का, धर्म, जाति, रंग, क्षेत्र के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल महिलाओं पर, बच्चों को ब्रूटलाइज करने के कई तरह के किस्से सामने आते हैं, और ये हमारी राष्ट्रीयता के, हमारी पहचान के खिलाफ है। किसी भी तरह का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करना हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो हज़ारों साल की है उसके खिलाफ है, उस आइडेंटिटी को वो चैलेंज करता है। तो जो कांग्रेसियों को बेचैनी थी कि वहाँ जा कर के प्रणब बाबू क्या बोलेंगे, तो प्रणब बाबू ने अपनी वही पोजिशन मेनटेन की, कंसिस्टेंसी रखी जो उनकी रही है। आरएसएस की तारीफ उन्होंने नहीं की, इसीलिए आज इस कार्यक्रम के पहले जब पहले चर्चा हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी, उसी से अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जाना खबर है, क्या बोलेंगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। शर्मिष्ठा उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने यही चिंता जाहिर की थी कि आप जाएंगे ये तस्वीर बन जाएगी इतिहास में, आप क्या बोलेंगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा और ये आपका मिसयूज़ करेंगे। आने वाले दिनों में आरएसएस इस घटना को कैसे फ्रेम करेगा, कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन जहां तक एक बेचैनी का सवाल था कि क्या एक कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक कोई नया घालमेल या गड़मड़ हो जाएगा, तो जहां तक भाषण का, बात कहने का, अपने कथन का सवाल है, तो प्रणब मुखर्जी ने उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं दिखाया है। बट द वेरी एक्ट ऑफ गोइंग ऑन आरएसएस प्लेटफॉर्म एक विवाद का विषय हो सकता है, आने वाले दिनों में इस पर बहस हो सकती है।